क्वेश्चन नंबर 9 12th मैथ्स आरबीसी मिसलेनियस एक्सरसाइज नंबर 11 विविध प्रश्न नंबर 11 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे को दोनों से परिबद्ध क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी कि बाउंडेड एरिया फाइंड करना है। दोनों बीच का जो कॉमन एरिया है उसको हमें फाइंड करना है। यहां पर x2 + y2 = 16 और ये y2 = 6x आपको दे रखा है। इन दोनों के बीच का एरिया यानी क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। ये सबसे पहले ऑब्जर्व करो, एक सर्कल है, निवृत्त है, और ये पैराबोला यानी परवलय है। अब इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको इक्वेशन नंबर सेकंड, इसके अंदर इसका जो सेंटर है यानी केंद्र 0.0 और इसकी रेडियस यानी कि त्रिज्या कितनी है 16 का स्क्वायर रूट निकाल लो, 4। यहां पर इसका वर्टेक्स 0.0 यानी शीर्ष, अब इन दोनों का फिगर यहां पर बनाते हैं। ये तो हो गया आपके पास एक सर्कल और ये एक्स एक्सिस, ये मेरे पास वाई एक्सिस, मूल बिंदु यानी कि ओरिजिन 0.0 और जो परवलय होगा वो इस तरह से होगा कि y2 = 6x, x एक्सिस के अलोंग ये सिमेट्रिक रहेगा। अब यहां पर देखो इसकी त्रिज्या कितनी 4 है, तो ये पॉइंट तो हो जाएगा यहां से आप डिस्टेंस 4 होगी ना, इसको तो 4.0 कह सकते हैं। ये हमारे पास 0.0 है ये। अब मेरे को एरिया कौन सा निकालना, दोनों के बीच का कॉमन एरिया है ना, ये वाला और ये वाला एरिया मेरे को निकालना। इसके लिए सबसे पहले मेरे को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की जरूरत पड़ेगी, इसकी और इसकी यानी एक दूसरे को एक काट दे। इसके लिए दोनों इक्वेशन को मैं सॉल्व कर लूंगा, तो अगर मैं वाई स्क्वायर की वैल्यू 6x इसके अंदर पुट करता हूं तो यहां से आ रहा है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड समीकरण 1 तथा 2 से x2 + y2 का मान वहां से 6x = 16 को इस तरफ ले आए तो x2 + 6x - 16 = 0। मिडल टर्म स्प्लिट कर रहे हैं यानी गुणनखंड कर रहे हैं इसके, x2 8 + 16 होता है तो 8x - 2x - 16 = 0। इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा, ये x + 8 - 2 कॉमन आ गया, ये x + 8 = 0। अब आप इसमें x + 8 कॉमन ले सकते हैं तो ये बच गया x - 2 = 0। या तो ये 0 के इक्वल या ये 0 के इक्वल, आइदर x + 8 = 0 और x - 2 = 0। यहां से x = 2 आ रहा है और यहां से x = -8 आ रहा है। अगर x - 8 यहां पर करता हूं तो y क्या आ जाएगा, इमेजिनरी क्वांटिटी आ जाएगी, काल्पनिक मान आ जाएगा, इसको हम नहीं ले सकते, नॉट एडमिसिबल, इसको हम नहीं ले सकते। तो x = 2 लिया जाएगा, x = 2 अगर मैं यहां पुट कर देता हूं तो y2 = यहां 2 लिखेंगे तो कितना 12 और y = हो जाएगा √12 यानी कि 4 × 3 के अंदर हम प्लस माइनस लगा देंगे, 2√3 कह सकते हैं इसको, ±2√3। तो इसमें दो पॉइंट आ जाएंगे, जब x का मान 2 है ये हो गया 2 और ये हो जाएगा 2√3 और ये पॉइंट हो जाएगा 2 और ये 2√3 कॉमन लगाएं, इसको p कहते और इसको q कहते। अब आप इसमें यहां से इस एरिया को निकालने के लिए पहले पॉइंट तो आ चुके ना, पॉइंट के बाद में अब अपन इस पूरे एरिया को बहुत सारी पतली पतली रेक्टेंगुलर स्ट्रिप से बना हुआ मान सकते हैं, यानी इस पूरे एरिया को बहुत ही पतली आयताकार पट्टिकाओं से बना हुआ मान सकते हैं और ये सारे की सारी जो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप जो बनेगी ऐसी वो सब वाई एक्सिस के पैरेलल होगी, यानी वाई एक्सिस के समांतर ऐसी आयताकार पट्टिकाएं हैं, इनसे बना हुआ पूरा एरिया हम मान सकते हैं। अब किसी एक पट्टिका को कंसिडर करते हैं यानी एक स्ट्रिप लेते हैं जिसकी थिकनेस है dx, यहां dx
और इसकी यहां से यहां तक हाइट सपोज वाई वन है। अब ये ऐसी कितनी पट्टिकाएं होगी, इसको टच करती हुई यहां तक चलेगी, उसके बाद में कर्व चेंज हो रहा है। तो पहले तो आप इसमें पी क्यू को ज्वाइन कर देंगे, यहां पर यहां से आगे कर्व चेंज हो रहा है, एक नई पट्टिका लेनी पड़ेगी, क्योंकि इन पट्टिकाओं यानी इन स्ट्रिप्स की जो हाइट है ना, ये कर्व डिसाइड करते हैं। तो कर्व चेंज होती है, नई पट्टिका ले लेंगे जिसकी थिकनेस भी कितनी है डी एक्स है, और इसकी हाइट को हम क्या लेंगे वाई वाई टू कहते हैं, इसको वाई वन बोलते हैं, इसको वाई टू कहते हैं। इस इसकी हाइट कौन डिसाइड कर रहा है, ये वाला कर्व, और इसकी हाइट कौन डिसाइड कर रहा है, ये सर्कल का, ये वाला पार्ट। इसलिए हमें दो अलग अलग पट्टिकाएं लेनी पड़ेगी, क्योंकि कर्व चेंज हो रहा है। यहां से स्टार्ट होगी ऐसी पट्टिकाएं और यहां चलती चलती सारी पैरेलल है, सारे समांतर है आपस में, और ये पी तक चलेगी, उसके बाद एक नई पट्टिका लेंगे क्योंकि यहां पर कर्व चेंज हो गया। अब आप इसमें देखो इसका एरिया कैसे निकाल रहा है, इसको पहले कॉपी कर लो। अब इसको तो मैं यहां से रिमूव कर सकता हूं, इक्वेशंस को मेंटेन रखें। तो एरिया जो होगा ना हमारे पास में, जो दोनों का बाउंडेड रीजन है, बाउंडेड जो एरिया है, उसका एक पट्टिका का क्षेत्रफल मेरे पास कितना आ जाएगा y1 into dx, दूसरी का कितना आ जाएगा y2 into dx। अब इसका इंटीग्रल कर लेंगे। इंटीग्रल कहां से कहां तक हो रहा है इसके अंदर, यहां से ये पट्टिका कहां से स्टार्ट हो रही है, यहां से, और dx लिया है ना, तो यहां x की लिमिट चलेगी, वैसा ध्यान रखें dx थिकनेस लेते हैं तो x की लिमिट चलेगी। अब dx और x एक्सिस के ऊपर ये पट्टिकाएं मूव कर रही है ना, ये पट्टिका यहां हो सकती है, ऐसी बहुत सारी पट्टिका है, सबका क्षेत्रफल जोड़ना है, उसको इंटीग्रेशन करेंगे। लिमिट कहां से स्टार्ट हो रही है, x की सबसे छोटी वैल्यू यहां पर जीरो है, और ये पट्टिका यहां तक चलेगी, यहां पर x की वैल्यू कितनी है टू, तो यहां आ जाएगा जीरो से टू। इसी तरह से अगली जो पट्टिका है ना, वो यहां से यहां तक है, तो हमारे पास में x की वैल्यू यहां पर टू है, और यहां पर x की वैल्यू कितनी है फोर है, तो ये टू से ये फोर। अब इससे जो एरिया बनेगा कितना बना, ये यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक, ये एरिया अभी तक काउंट नहीं हुआ, बिकॉज ये सर्कल क्या पूरा सिमेट्रिक है, और ये पैराबोला भी पूरा सिमेट्रिक है, तो जितना एरिया ये होगा उतना ये एरिया ये होगा, जितना ये होगा उतना ये होगा, इसलिए आप इसको इंटू टू कर सकते हैं। तो अभी टोटल एरिया आ जाएगा इसका, ये पूरा यहां से ये वाला पूरा एरिया इसमें आ जाएगा, और ये हमारे पास फाइंड करना था। अब प्रॉब्लम है y1 और y2 की, y1 कहां से लाएंगे, सबसे पहले देखो y1 कहां स्टैंड कर रहा है, y1 यानी कि इस पैराबोला के ऊपर है, तो पैराबोला की इक्वेशन में y की जगह y1 रख दो, तो y1 यहां रूट स्क्वायर लेने, स्क्वायर है ना, उधर ले जाएंगे रूट हो जाएगा रूट सिक्स और ये रूट एक्स, तो यहां पर y1 की वैल्यू डाल दें जीरो से टू, ये रूट सिक्स रूट एक्स एंड डी एक्स प्लस टू या वाई टू। अब वाई टू कहां पर है, इस सर्कल के ऊपर है ना वाई टू, तो सर्कल की इक्वेशन में वाई की जगह यहां वाई टू पुट कर देंगे, तो वाई टू का मान यहां से आएगा, एक्स स्क्वायर राइट साइड चला जाएगा और स्क्वायर रूट लगा दे, ये यहां से वाई टू मिल गया टू से फोर एंड स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर और ये dx। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, यहां पर ये 2 रूट से इसको बाहर ले लें, x की पावर हाफ यानी x पर n वाला फॉर्मूला लगा देंगे, n प्लस 1 अपॉन ये n प्लस 1 और लिमिट है 0 से 2 प्लस यहां 2 अवेलेबल है। यहां देखो फॉर्मूला कौन सा रहेगा, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर वाला, क्या होता है फॉर्मूला याद रखनी है, यहां पर लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स बाई टू, और ये सेम वैल्यू आती है यहां पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू और साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए और ए प्लस सी, ये फॉर्मूला आप पूरा याद रखें, ये फॉर्मूला यहां अप्लाई करें, पहले कंपेयर करो, देखें यहां 16 है, यहां ए स्क्वायर है, किसका स्क्वायर हो गया 4 का स्क्वायर हो गया, तो यहां 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ए की वैल्यू तो 4 हो गई और एक्स तो यहां पर पड़ा ही है। अब एक्स बाई टू
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एन से एम आएगा ये प्लस ए स्क्वायर, ए कितना है यहाँ पर फोर है, तो फोर का स्क्वायर 16 अपॉन टू एंड साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, एक्स कितना है एक्स ही है और ए कितना है फोर है और लिमिट है मेरे पास टू से फोर। अब सिर्फ इसमें लिमिट रखने की बात है, इसको डाल सकते हैं, ये हमारे पास टू रूट सिक्स, इसको क्या करेंगे थ्री बाई टू, ये बाहर ले लें टू बाई थ्री हो जाएगा एंड एक्स की पावर थ्री बाई टू, टू इसके अंदर आते हैं लिमिट अपर टू की पावर थ्री बाई टू माइनस लोअर जीरो प्लस, ये देखो ये टू है ये भी टू है ये भी टू है, तो आप इन दोनों टू को कॉमन ले लेते हैं, इसमें से टू कॉमन आएगा ना ये टू हट जाएगा, या यूं समझो कि इस टू का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इस टू का भी यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टू टू हट जाएगा प्लस एक्स रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 16 और साइन इनवर्स एक्स अपॉन फोर और ये टू से फोर, यहाँ पे लिमिट रखी है, लिमिट अगर नेक्स्ट स्टेप में रखते हैं, पहले इसको कॉपी कर दो ताकि ऊपर मैं लिमिट रखता हूं, इसमें हमें जो कॉमन रीजन फाइंड करना था दोनों का जो ये शेडेड रीजन जो कॉमन एरिया ये हम आपको निकालना था, तो अब इसको सॉल्व करके आ जाएगा, इसको मैं यहां से रिमूव कर दिया, यहां पर देखो टू टू जब फोर रूट सिक्स है अपॉन थ्री है फोर, यहां लिखते समय ना थोड़ा ध्यान से केयरफुली फोर रूट सिक्स अपॉन थ्री, ये है टू की पावर थ्री बाई टू, टू की पावर थ्री बाई टू मतलब टू रूट टू और प्लस, ये हमारे पास लिमिट रखनी बाकी है इसमें फोर इसके अंदर शिफ्ट करेंगे तो बहुत ध्यान से थोड़ा फोर रखेंगे ना यहां पर, ये फोर का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 और 16 माइनस 16 कितना हो जाएगा तो जीरो इंटू ये फोर भी जीरो हो जाएगा, यहां भी फोर रखना है तो प्लस ये 16 पड़ा है साइन इनवर्स फोर अपॉन फोर माइनस लोअर माइनस आप यहां ब्रैकेट मेंटेन करें, अब लोअर लिमिट टू एड टू डालेंगे इसके अंदर टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर यहां टू डालेंगे कितना हो जाएगा टू का स्क्वायर फोर, तो ये 16 में से फोर गया हमारे पास 12 बच जाएगा, थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसमें प्लस यहां पर 16 और साइन इनवर्स एक्स बाई फोर है लिमिट टू डाल रहे हैं इसमें लोअर लिमिट तो ये हमारे पास टू बाई फोर, कैलकुलेशन बहुत पेशेंस के साथ करेंगे, टू और ये फोर का मल्टीप्लाई एट अपॉन थ्री ये सिक्स और ये टू रूट में कितना हो जाएगा 12 और 12 को ले सकते हैं फोर इंटू थ्री प्लस ये हमारे पास 16 4 से 4 गया साइन इनवर्स 1 कितना होता है 5 बाई टू 92 माइनस टू रूट ये 12 12 को आप लिखो 4 इंटू थ्री बाहर माइनस है यहां माइनस आएगा 16 ये हमारे पास 2 साइन इनवर्स 1 बाई टू साइन की टेबल में 1 बाई टू कब आता है 30 डिग्री अरे 5 बाई सिक्स, अब आप इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन करें ये हमारे पास 8 बाई थ्री 4 का हो जाएगा 2 और रूट की अंदर बच जाएगा यहां से ये 2 2 टू द 4 तो माइनस का 4 और ये रूट 3 इन दोनों को साथ में लिख लेते हैं प्लस 16 रिड्यूस कर दो बोले ये कितना हो जाएगा 8 तो ये 8 पाई यहां से इसको रिड्यूस करें तो ये हमारे पास 2 से 3 और ये 8 माइनस का 8 पाई अपॉन 3 थोड़े से कैलकुलेशन पार्ट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए आपका। अब अगर रूट थ्री बहुत जल्दी कैलकुलेट आपके नहीं हो रहा है ना एक काम करो इन दोनों में से रूट थ्री कॉमन ले, ये हो जाएगा 16 अपॉन 3 और ये माइनस का 4 इसी के कोई प्रॉब्लम नहीं है।
यहां से इनका 3 का एलसीएम ये हो जाएगा 24 पाई माइनस 8 पाई। ये हमारे पास वो थ्री यहां पर कितना एलसीएम 3 हो जाएगा और 4 से 12 16 में से 12 जाएगा 4 बच जाएगा प्लस यहां पर देखो कितना आ रहा है 24 में से ये 8 चला गया तो आ जाएगा 16 पाई अपॉन 3। अब आप इसमें कॉमन जो आ रहा है ना उसको देखो 4 बाई 3 इसके अंदर कॉमन आ रहा है ये रूट 3 बच गया प्लस 3 अपॉन में कॉमन ले लिया यहां 4 4 तो ये हमारे पास यहां लास्ट में लिखना पड़ेगा स्क्वायर यूनिट्स क्योंकि एरिया निकाला है यानी वर्ग इकाई आपको लिखना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चन थोड़ा पेशेंस के साथ सॉल्व करें। क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में बहुत बार ये देखने को मिलता है इसलिए आप इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लें। इसके अंदर कर्व की नॉलेज पूरी होनी चाहिए सर्कल है तो किस तरह का है पैराबोला तो किस तरह का है एक्स एक्सिस के अलोंग है वाई एक्सिस के अलोंग है उसका सर्कल का सेंटर क्या है सर्कल की रेडियस क्या है ये क्वेश्चन देख के आपके दिमाग में सारे विचार आ जाना चाहिए और सबके जो आंसर है पहले निकाले फिर दोनों अगर कर्व है तो कटते कहां पर है उनको सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकाल लें जिससे आपको आगे परेशानी नहीं आएगी। चैनल सब्सक्राइब करें वीडियो शेयर करें लाइक करें दोस्तों को बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल द बेस्ट।